तो बहुजन समाज धीरे धीरे अपने हक अधिकार के लिए अपने महापुरुषों के लिए देखते हैं। महिलाएं भी आती हैं तो ये देखिए सब ये तस्वीर जिंदाबाद आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं। इस समय लखनऊ के कांसीराम साहब पार्क में हूँ और बीएस बाम सेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। ये कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कैसे बहुजन समाज तमाम परिस्थितियों में भी समाज के हक अधिकार के लिए जागरूकता के लिए जमा हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, तमाम लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ इस तरह के आयोजन में आते हैं। और सर्दी का मौसम है और ये पंडाल बना हुआ है, उसमें भी दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए, लोग तमाम राज्यों से आते हैं। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से ये देखिए, तो तमाम राज्यों के जो पंडाल हैं वो बन गए। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। ये देखिए, मैं जितनी जल्दी हो सकता है घूम के आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो इसमें आए हैं और सब में लोग हैं। लंच आवर है, लंच का सेशन है और सोशल मीडिया के जरिए ही देखिए, ये आपको मैं पंडाल में दिखाऊंगा। इस तरह से लोग अपना इस समय गुजारा करते हैं। दिखाई 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 हमारे मध्य प्रदेश का है। ये देखिए, इतनी संख्या में लोग जो है वो यहाँ जमा है और आप लोग आराम कर रहे हैं। देखिए, ये मध्य प्रदेश का है, तो ऐसा नहीं कि पंडाल खाली है, काफी संख्या में लोग आते हैं। और देखिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और सब लोग यहाँ आए हुए हैं, थके हुए हैं। आप लोग नहीं जा रहे हैं भाषण सुनने? ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं और ऐसे बन रहा है बहुजन समाज। तो पंडाल भरा हुआ है और बामसेफ को क्रेडिट दीजिए, बावन मिश्राम को क्रेडिट दीजिए जो लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह से तमाम राज्यों के जो कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये गुजरात से हैं, इसमें भी जाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये गुजरात के लोग हैं, गुजरात का पंडाल है और यहाँ से भी लोग हैं। गुजरात में भी बहुजन आंदोलन जो है वो चल रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, चलते चल काम कर रहा हूँ ना सर, रुके ना। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस तरह से तमाम राज्यों का, देखिए, और इस झारखंड से भी है। तो इस देश के तमाम राज्यों से लोग आते हैं और बहुजन आंदोलन आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, ये क्या है, उत्तर प्रदेश के लोग हैं और इधर ये झारखंड, झारखंड, बिहार। तो देश के तमाम राज्यों से बामसेफ के कार्यकर्ता जो हैं लोग इसमें। अरे बाप, यूपी से सबसे ज्यादा है। ये देखिए, तो ये लोग जाएंगे नहीं उधर कार्यक्रम में? सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी शुरू होने वाला है, अगला सत्र शुरू होने वाला है। अच्छा, तो देखिए, ये लोग जो हैं ऐसे कोई जमीन पर रहकर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये तस्वीरें दो पंडाल उत्तर प्रदेश के हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो बहुजन समाज धीरे धीरे अपने हक अधिकार के लिए अपने महापुरुषों के लिए देखते हैं। महिलाएं भी आती हैं, जबरदस्ती आई हो, अपने मर्जी से आई हो? हमारे चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन है, क्यों जबरदस्ती आएंगे? हाँ, वो पसंद है इसलिए आए हैं। अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी हैं? हमारा अभी बीएड फर्स्ट ईयर है। बहुजन समाज के लोग जब पढ़ेंगे तभी। जय मूल निवासी। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोग आ भी रहे हैं और ये है। तो ऐसे तमाम राज्यों से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, इसी तरह से कोई आंदोलन बनता है, बिना संसाधन के समाज के लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम तस्वीरें मैं चाहता हूँ कि बामसेफ का दिखा दूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये बिहार, झारखंड। तो ये देखिए, सब लोग पंडाल में, आप लोग तो जाएंगे तो पूरा भर जाएगा पंडाल। ये देखिए, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। तो ये तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, यही नेशनल दस्तक। भैया थोड़ा आगे से हट जाओ भैया। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये है राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बहुजन समाज के लोग, बाद में, हाँ,
भारत देश हमारा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तमाम राज्यों से लोग आए हैं। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा से। बोल पटोल को है, मूल निवासी नारा है, मूल निवासी नारा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और भी राज्य के देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट से लोग आए हैं, मिजोरम छत्तीसगढ़, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के जय मूल निवासी है, नॉर्थ ईस्ट के लोग आए हैं। और सोचिए कि कुर्सियां कम पर जाएंगी, पंडाल कम पर जाएगा, देश भर से लोग आए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, और ऐसे ही सारे राज्यों के पंडाल बने हुए हैं। तो बाम सेफ की जो पहुंच है वो तमाम राज्यों तक है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे, आइए मैं कोशिश करता हूँ। जय मूल निवासी, इधर महाराष्ट्र भी है, और कौन सा राज्य इधर बच रहा है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको मैं सीधे सोशल मीडिया से के जरिए, बहुजन समाज का आंदोलन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोवा का है ये, और अभी लोग जाएंगे वहाँ थोड़ा सा। हाँ रुक जाइए, ये देखिए ये कहाँ से लोग आए हैं, ये सब लोग महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लोग हैं, देखिए हाँ, लोग वहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो आप लोग जान ही रहे हैं भाषण में, आप लोग आराम कर रहे हैं, तो लंच कर लिया आप लोगों ने? हाँ लंच कर लिया, तो लंच कर लिया। तो ये देखिए तमाम राज्यों के जो लोग हैं वो आए हुए हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। क्या पहचान तो ये, और ये कौन सा राज्य है? अच्छा जो अच्छा ये पंडाल है, है? तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ से सारे संसाधन है, यहाँ रह सकते हैं, पंडाल है। तो ऐसे चलता है बहुजन आंदोलन, लड़ाई बहुत लंबी है, संसाधन नहीं है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, और बहुजन समाज के लोग जो हैं, तो पंडाल से तो निकलिए सब लोग, निकलवाइए। तो सब लोग जो है ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ऐसे तमाम राज्यों के लोग हैं, उतनी हिस्सेदारी, देखिए गाड़ी घोड़ा तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, हमारा है। ये तस्वीरें दिखा जी जी, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और मोबाइल से समझिए बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए हैं। अभी तमाम राज्यों से लोग आए हैं, पूरा मैंने आपको गुजरात पंजाब उत्तर जिंदाबाद, ये तस्वीर जिंदाबाद पंजाब से आए, पंजाब से पंजाब से है। अरे ठीक है भाई, हो गया। तो ये तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी और कई राज्यों की तस्वीरें हैं। संख्या भारी मिले उसका हिस्सेदारी, जितने संख्या भारी मिले जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारत देश हमारा है, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी नारा है। तो ये देखिए इधर भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का पंडाल है, मैं आपको देख रहा हूँ, है इधर भी लोग हैं, ये देखिए ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई पंडाल है, आएंगे तो पूरा तो ये देखिए पूरा पंडाल भरा हुआ है, और जैसे ही लोग जाएंगे ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी तो ये तमाम नारा है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ब्राह्मणवादी कह रहे हैं, ब्राह्मण मत समझ लीजिएगा। और ये तस्वीरें कहाँ कहाँ है राज? पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए पंजाब चंडीगढ़ का है, भाषण का दौर शुरू है, और ये देखिए बस बस बस, तो ये दिखा रहा हूँ पंजाब का है, और काफी संख्या में लोग हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको।
और भी कई राज्य बचे हुए हैं, ये कौन से राज्य हैं? और भी कई राज्य हैं और बचे हुए हैं, ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है? इधर भी लोग हैं तो ये देखिए, ये तमाम पंडालों में लोग हैं। और कुछ और तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, इसके बाद से हम चलेंगे। अभी भी कई राज्य है, बामसेफ का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। और समझिए, संसाधन विहीन समाज की लड़ाई है, लोग लड़ रहे हैं। अपने लोगों को पंडाल से तो निकालिए। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। और ये देखिए मुकेश, आज कितने राज्यों का पंडाल बना है? 28 राज्यों का पंडाल बना हुआ है। हाँ। और 28 राज्यों से पार्टिसिपेट है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो दो दो राज्यों के लोग एक ही टेंट में बैठ गए हैं जगह के अभाव में। तो ये इनको जान लीजिए, मुकेश है, ये बैकबोन है बामसेफ के, और दिल्ली दफ्तर इन्हीं के हवाले है। बामन श्राम साहब से इंटरव्यू लेना हो तो इन्हीं को लाइनअप करना होता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये राजस्थान का ये टेंट है, तो लोग हैं, राजस्थान का टेंट है ये। ये देखिए, ये राजस्थान का, हाँ आ रहा हूँ, ये राजस्थान। तो आप लोग उधर जाएंगे नहीं अंदर? तो ये लोग आराम कर रहे हैं, भाषण नहीं सुन रहे अब। तो चलिए, हम लोग भी भाषण है। कहाँ से आए महाराज जी? राजस्थान। कहाँ राजस्थान? सीकर डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ तो बहुजनों पर बड़ा अत्याचार होता है। हाँ जी, हाँ जी। सबसे जातिवाद ज्यादा जो है राजस्थान में हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। NCERB के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा राजस्थान में जो है वो जातीय हिंसा होती है। तो राजस्थान के लोग भी बहुजन आंदोलन से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ दिखाता हूँ उसके बाद। और भी कई राज्य हैं। और खाना किस बार, खाना कहाँ बन रहा है इस बार है? तो ये देखिए, कई और राज्य हैं, पंडाल है, तो पूरा पंडाल भर जाएगा। लोग अभी आराम कर रहे हैं, उसके बाद से पंडाल में आएंगे। और ये तस्वीर, ये हरियाणा से है, ये देखिए, ये हरियाणा का पंडाल दिखा रहा हूँ। हरियाणा से है लोग? हरियाणा से कहाँ है लोग? जय मूल निवासी। हरियाणवी तो बोलो। ये देखिए, ये सब मूल निवासी की भारत सबका DNA एक समान। मूल निवासी क्या कहता हूँ, सभी का DNA एक समान। बोल 50 से हो गया। तो ये 50 ये दुकान का कौन समान है? भूत भूत भगवान। तो ये तमाम लोग हैं, कौन समान है? भूत भाग भगवान। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और भी एक दो राज छूट रहे हैं, उसके बाद इसको बाइंड अप करूंगा। तो काफी बड़ा आंदोलन है, आप समझिए, बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और देखिए, युवा लोग भी काफी, कहाँ से आए हैं? हम तेलंगाना से। तेलंगाना से? तेलंगाना से आया। तेलंगाना के भी लोग जुड़ रहे हैं। एक मिनट क्या सर, कहाँ से आए सर? राजस्थान से। राजस्थान से आ रहा हूँ। तो देखिए, ये पश्चिम बंगाल में भी बामसेफ का आंदोलन जो है वो पहुँच रहा है। ये देखिए, ये बामसेफ का आंदोलन जो है, ये पश्चिम बंगाल के भी लोग हैं यहाँ। तो पूरे देश में जो है वो बामसेफ पहुँच गए। देखिए, ये देखिए, लोग हैं, बामसेफ है, पूरा भरा हुआ है। बामसेफ के लोग यहाँ भी हैं, बंगाल तो तमाम राज्यों में जो है। मानवर साहब ने बामसेफ की स्थापना की थी। जी जी, जय भीम। जी जी, जय भीम। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जय मूल निवासी। हाँ, ये कहाँ का पंडाल है? यार से बाबा साहब का दुकान है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, और बाबा साहब के दुकान पर इंटरव्यू है। हाँ हाँ, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये दिखा रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और सोचिए, बहुजन समाज के लोग किस तरह से। और ये कहाँ से, कहाँ का राज पंडाल है? ये पश्चिम बंगाल का है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। तो इस तरह से और भी चीजें दिखाऊंगा मैं, पूरा बामसेफ आंदोलन कैसे चल रहा है उस तरह से दिखाऊंगा। एक बड़ा संगठन है और जनाधार वाला संगठन है। और ये तमाम राज्य, रुकिए ना सर, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और
चलिए थोड़ा भोजनालय भी दिखाता हूँ। और ये देखिए तो ऐसे चल रहा है बहुजन समाज का। देखिए सबके हाथ में किताब है। ये देखिए ये तमाम बहुजन समाज के लोग हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा लंबा होगा आपको बोर करेगा। कहाँ से आए हैं? कैमूर भवन बिहार से। अच्छा बिहार से हैं तो देखिए तमाम एससी एसटी ओबीसी। ये देखिए आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। देश की जनता भूखी है। टीवीएम हटाओ, देश बचाओ। टीवीएम हटाओ, देश बचाओ। टीवीएम हटाओ, देश बचाओ। अरे बाबा की सच्चाई है, डीएनए की सच्चाई है। मुस्लिम मेरा भाई है, डीएनए की सच्चाई है। मुस्लिम मेरा भाई है, लंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये देखिए ये तमाम बहुजन समाज के लोग हैं। बहुत जरूरी था। ये देखिए बहुजन समाज के लोग हैं और इसी तरह से रोटी सूखी दाल सब्जियां खाकर आंदोलन चल रहा है। कहाँ से आए आप लोग? बेंगलोर कर्नाटक। यहाँ तो अच्छी सब्जी है भाई। ये देखिए ये बहुजन आंदोलन है और मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको। जी जी। और इसके बाद मैं आपको अब लाइब्रेरी पुस्तक किताबें दिखाऊंगा। तो ऐसे चलता है बहुजन आंदोलन। देखिए गरीबों का संघर्ष है, समाज में सम्मान की लड़ाई है। देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। अरे सर जय भीम जय भीम। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और जय भीम जय भीम। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग बुक स्टॉल की तरफ चलेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो नहीं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैंने कल भी दिखाया था। तो बड़ा आंदोलन है बहुजन समाज का और गरीब शोषित वंचित देश की जनता भूखी है। आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। हम बेसाब से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तस्वीरें दिखा ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और बहुत सारे पंडाल्स लगे हुए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का भी पंडाल है, विकास पटेल यादव हैं। जय भीम। ये तस्वीरें देखिए। और बहुजन आंदोलन की खास बात है, किताबें बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, किताबें बिकती हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए। जय भीम जय भीम। तो ये देखिए किताबों के जरिए ही बहुजन आंदोलन बढ़ेगा। पिछड़ा मोर्चा का भी लोग यहाँ जमा हैं, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ है। कहाँ से आए हैं? जय मूल निवासी, पंजाब से। तो देखिए ये है विकास पटेल, चौधरी विकास पटेल है, उनका पंडाल है। ओबीसी के लोग भी काफी संख्या में आए हैं। देखिए ये है तमाम पंडाल बने हुए। देखिए कर्मचारी संघ है ये लोग। आराम से आराम से। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसके बाद फिर हम लोग इधर चलेंगे। तो ये पूरा बामसेफ का जो कंसेप्ट है वो दिखा रहा हूँ, किस तरह से सामाजिक जागरूकता का बिना पैसे बिना चंदा से ये आंदोलन पूरा चल रहा है। और राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि जब तक वो इनको एक्टिव नहीं करेंगे, एकजुट नहीं होंगे। खाइए खाइए, ये देखिए ये पकौड़ी है। ठीक है हाँ, बहुजन समाज का आंदोलन ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए राम सुरेश वर्मा है, जय मूल निवासी। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं बहुजन कलाकार। ये देखिए साड़ियाँ हैं, इसको भी आप लिख सकते। ये तमाम बहुजन समाज का आंदोलन जो है वो यहाँ चल रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सबसे बात करना। अरे नहीं, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और देखिए
ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, देखिए आए जय मूल निवासी आपको बहुजन आंदोलन और बामसेफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए जय मूल निवासी, ये तस्वीरें देखिए जय मूल निवासी। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, अंडा भी है दुकान भी है, जय मूल निवासी। हाँ तो ये किताबों के जरिए बहुजन आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और ये देखिए बहुजन समाज को इसी तरह से लड़ना पड़ेगा, संसाधन विहीन समाज की लड़ाई अपने आप में कठिन होती है, इसलिए नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि ऐसे तमाम आंदोलनों को आपको दिखाया जाए, समझाया जाए। इनके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में जुड़ते हैं लेकिन कोई दिखाता नहीं है। हम लोग के पास भी उतना संसाधन नहीं है कि तमाम बहुजन आंदोलन को हम लोग कवर करें, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोशिश होती है कि जहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं वहां तक ये तस्वीरें दिखाए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको सोशल मीडिया की जी। फाइन फाइन, मैं लखनऊ से आपको बामसेफ का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिखा रहा था। सोचिए इस देश के 90% लोगों के पास सिर्फ 3% संसाधन है और इस देश के बाकी संसाधन 97% संसाधन जो हैं वो लगभग 3% लोगों के पास हैं। लंबी लड़ाई है, गहरी खाई है, उसके बाद भी बहुजन समाज लाचारी बेबसी को धता बताते हुए ईमानदारी से चंदा एकजुट करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लंबी लड़ाई है लेकिन संवैधानिक लड़ाई है, बाबा साहब ने संविधान का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है और ये लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं। ये सब अपनी बराबरी, अपना सम्मान, अधिकार और बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, नेशनल दस्तक के पास उतना संसाधन है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके दुख तकलीफ, उनके अधिकार का जो हनन हो रहा है उसको दिखाया जाए। सोचिए कोई तो वजह है कि इस देश के 90% लोग लाचार बेबस और मजबूर हैं और लोग मानते हैं कि इसकी वजह मनुवाद है, जिनको धार्मिक कर्मकांड में जकड़ कर मनुस्मृति के नाम पर उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और उनको जातियों में बांट दिया गया और उसी जाति को जोड़ कर ये लोग बहुजन जमात बना रहे हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये अपने अधिकार के लिए, इस देश के लिए है, इस देश को मजबूत बनाने के लिए है। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।